ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ आयुर्वेदिक, बैद्यनाथ आयुर्वेदिक 100% वेजिटेरियल टूथपेस्ट आयुदंत। आप में से जो भी लोग टीवी शो बिग बॉस देखते हैं उन्हें साल 2022 का सीजन तो याद ही होगा। बिग बॉस सीजन 16 में कंटेस्टेंट आए थे तजाकिस्तान के सिंगर अब्दू रोजिक। कुछ ही दिनों में अब्दू पूरे देश के फेवरेट बन गए थे। आपने अगर बिग बॉस नहीं भी देखा है तो भी सोशल मीडिया पर अब्दू को जरूर देखा होगा, बेहद ही क्यूट हैं। अब जो अब्दू को नहीं जानता पहली नज़र में उन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि वो एक बच्चा है, पर असल में अब्दू की उम्र 19 साल है। शायद आपको यकीन ना हो रहा हो पर ये सच है। दरअसल अब्दू एक कंडीशन से ग्रसित हैं जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की कमी। इसमें इंसान की उम्र जरूर बढ़ती है पर कद काठी नहीं, इसलिए ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से ग्रसित लोगों को पब्लिक अक्सर बच्चा समझती है। और सिर्फ अब्दू ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आपको पता है हम सबके चहीते गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर लेजेंड मेसी भी 11 साल की उम्र में इस कंडीशन से ग्रसित थे। उनका इलाज हुआ तो वो ठीक हो गए। आज के एपिसोड में बात करेंगे इस कंडीशन के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन होता क्या है। ग्रोथ हार्मोन होता क्या है? ये एसेंशियल हार्मोन होता है जो ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर के अंदर प्यूबर्टी के ऑनसेट में हेल्प करता है और ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। इस डेफिशिएंसी के दो ही कारण होते हैं, दो ही टाइप होते हैं। एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब कोई बर्थ से कोई प्रॉब्लम है उसके कारण ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है और जिसका कोई हमको ठोस कारण नहीं मिलता इसके कारण वो ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा। और दूसरा होता है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड मतलब किसी कारणवश ग्रोथ हार्मोन नहीं बने, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर कोई ब्रेन में इन्फेक्शन होगी जिसके बाद ग्रोथ हार्मोन बनने में कमी हो गई, या फिर कोई चोट पहुंची, कोई ट्रॉमा पहुंचा उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी। जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो हम उसके अंदर उसकी हाइट और वेट देखते हैं और जब आप नोटिस करते हैं कि वो बच्चा अपने साथ वालों के कंपैरिजन में कम ग्रो कर रहा है तब आप सस्पिशन करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन। या फिर कुछ केसेस के अंदर जहां प्यूबर्टी आने वाली होती है और उसकी समय क्रॉस हो जाता है फिर भी प्यूबर्टी नहीं आती है तब आप सस्पिशन करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। आप में पेडियाट्रिशियन के पास जाएं और वो फिर आपके चार्ट्स देखिएगा जिसके अंदर हाइट चार्ट होता है। अगर उस हाइट के अंदर आपकी हाइट थर्ड सेंटाइल के नीचे जाती है तो आप ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट किया जाता है और बाकी टेस्ट भी होते हैं जिसके अंदर बोन एज की जाती है, उसके अंदर देखा जाता है कि बोन की किस एज है और बच्चे की एज से क्या कंपेयर करते हैं और फिर हम ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का सस्पिशन करते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन एक ट्रीटेबल डेफिशिएंसी, एक ट्रीटेबल कॉज है जिसके अंदर हम ग्रोथ हार्मोन बच्चे को देते हैं और उसके बाद बच्चा ग्रो करता है और ये एक अच्छी तरह ट्रीटेबल कंडीशन है जिसके अंदर हम देते हैं ग्रोथ हार्मोन देखते हैं तो प्यूबर्टी भी ऑनसेट आता है, बच्चे के फेशियल हेयर्स और बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आने शुरू हो जाते हैं और हाइट भी बढ़ती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हाइट उम्र के हिसाब से हमेशा सही रहे और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपके पेडियाट्रिशियन का रहेगा और आपके जो चार्ट होते हैं जो वाइंडली अवेलेबल हैं WHO IMD चार्ट, उसके अंदर आप बच्चे की हाइट मेजर करके उसमें हम चेक कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी ठीक की जा सकती है, इसका इलाज है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते इसका इलाज हो सके और वो तभी हो पाएगा जब सही समय पर ये बीमारी या कंडीशन पकड़ में आ जाएगी। इसलिए बताए गए लक्षणों पर ध्यान दीजिए, अगर बच्चे में वो लक्षण दिख रहे हैं तो फौरन डॉक्टर से मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपके कान आवाज कैसे सुन पाते हैं। आपके शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, बड़ी छोटी हर तरह की। आपके कान में तीन हड्डियां होती हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप। तीनों हड्डियां मिलकर ऑसिकल्स कही जाती हैं। ऑसिकल्स एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है छोटी हड्डियां। अब इन हड्डियों का क्या रोल होता है? देखिए,
हवा में जो वाइब्रेशन होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये हड्डियाँ उन वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करती हैं एक रेडियो की तरह। जैसे एक रेडियो हवा में हो रही फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है और आप फिर आवाज़ सुन पाते हैं जो रेडियो से आ रही होती है, ये हड्डियाँ भी ठीक यही काम करती हैं, वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करके पहुँचाती हैं आपके कान के अंदरूनी हिस्से तक, जिसमें एक फ्लूइड होता है। यहाँ जो आवाज़ वाइब्रेशन के रूप में आती है वो ट्रांसलेट होती है, यानी एक तरीके से डीकोड की जाती है। ये डिकोड किया गया सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है और ऐसे आपको आवाज़ सुनाई देती है। अब क्योंकि ये सिग्नल आपके ब्रेन तक जा रहा है, आपको इस आवाज़ का मतलब समझ में आता है। समझे, अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए अगर लो ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको क्या खाना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर रहता है तो इलाज के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल और खानपान, इन सारी चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। लो ब्लड प्रेशर की एक बड़ी वजह शरीर में पानी और लिक्विड की कमी होती है, इसलिए दिन भर में 2 लीटर पानी कम से कम पिए। अगर इतना पानी आप नहीं पी पाते एक साथ यानी दिन भर में, तो 1 लीटर कोई भी जूस, फ्रेश फ्रूट का जूस हो सकता है या सूप, आप पूरे दिन में ले सकते हैं। बेसिकली आपके शरीर में हेल्दी लिक्विड जाना ज़रूरी है, ये किसी ना किसी रूप में जा सकता है, पानी के किसी ना किसी रूप में जा सकता है, वो सूप हो सकता है या जूस हो सकता है या केवल पानी। आपके डाइट में बैलेंस होना चाहिए, जैसे खाने में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही ज़रूर होना चाहिए। खाने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते या फिर पीते रहिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मज़े की बात सुनते जाइए। ललन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है, नाम है किताबी बातें, जिसमें होंगी रोज़ एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग, दोपहर 12 बजे से, तो ज़रूर देखें।